नया साल आ रहा है और नए साल के पार्टी के लिए हम सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चटपटा, कुछ क्रिस्पी नाश्ता मिल जाए खाने को, तो और क्या बात है। ज़्यादा समय भी ना लगे, मेहनत भी ना लगे और ज़्यादा खर्चा भी ना लगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा स्पेशल टिकोना वाइट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। सच में अगर आप इसको एक बार बनाकर खा लेंगे ना, तो आप ब्रेड पकौड़ा खाना भूल जाएंगे गारंटी के साथ। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मम्मी की रसोई में। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो को। तो इसको हम बनाएंगे आलू से। तो हमने लिया है 500 ग्राम उबला हुआ आलू। आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। सारे आलू को हमें कद्दूकस पे क्रश कर लेना है, तभी ही बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। और ये जो नाश्ता है ना, हम आलू से ही स्पेशली बनाएंगे, तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। सारे को ग्रेट कर लेंगे हम। तो बस हमारे सारे आलू है ना ग्रेट हो गए हैं। बस ये फाइनली लास्ट बचा हुआ है, ये भी हमारा पूरा हो गया है। तो लीजिए, हमने अपने आलू को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। नॉर्मली मसाले हैं, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें डाल देंगे एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालिए, वरना छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे आधे छोटी चम्मच जीरा पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जीरा पाउडर से। एक चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, नॉर्मली मसाले जो सभी के घरों में आसानी से रहता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे उसको सुपर टेस्टी बनाने के लिए एक चम्मच चाट मसाला। उसको डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चाट मसाले की वीडियो आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बाइंडिंग बनाने के लिए डाल देंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच अरारोट पाउडर। आप इसकी जगह जो ब्रेड का बुरादा होता है ना, वो भी डाल सकते हैं, या तो आप इसकी जगह चावल के आटे भी डाल सकते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर एक कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। डालने के बाद सभी को मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच को हटा लेंगे और अपने हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी का यूज़ आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो आलू है ना, आलू अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। तो ये जो नाश्ता स्पेशली आलू से ही हम बना रहे हैं, ज़्यादा इसमें सामान नहीं लगता है। सभी को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको कम पड़े अरारोट पाउडर तो डालिए, वरना छोड़ भी सकते हैं। 2 से 3 बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। जो हमने अरारोट पाउडर डाला है ना, उससे बहुत ही कुरकुरा बनता है। तो आप इसके जगह ब्रेड के बुरादा भी डाल सकते हैं, या तो चावल के आटे डाल सकते हैं, या तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। सभी को मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, हमने सभी को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे थाली। थाली में लगा लेंगे ऑयल। थाली में हम ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम अपना डालेंगे ना डो, तो इसमें सटेगा नहीं, आराम से बनकर निकल जाएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना वो जो डो तैयार किया है ना, उसको डाल देंगे। इसके बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से फैला लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही रखेगा, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। सभी को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज़र में आधे घंटे तक छोड़ देंगे, सेट हो जाने दे देंगे। या तो आप इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पर 1 या 2 घंटे तक के लिए छोड़ सकते हैं। आधे घंटे के बाद हम देखेंगे इसको, पूरा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये लीजिए, आधे घंटे के बाद पूरा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम एक ले लेंगे थाली, इसको पलट लेंगे उसमें। थाली में देखिए कितना आराम से निकल आया है ना। अगर अच्छे से ना निकल पाए तो चाकू की सहायता से आराम से करके निकाल लीजिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे सेब। तो चाकू ले लेंगे, कोई सा भी सेब डाल सकते हैं। तो हम बना रहे टिकोना वाइट्स, तो हम इसको ट्रायंगल शेप में डालेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी डाल सकते हैं। सच में दोस्तों, अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना, तो ब्रेड पकौड़ा ही खाना भूल जाएंगे, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। सभी को हमने निकाल लिया है। इसके बाद कोई सा भी कटोरी ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच मैदा। मैदा में हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर।
डाल देने के बाद आपको सभी को मिक्स कर लेना है। इसमें पानी डाल देना है। आपको इसको गाढ़ा नहीं रखना, एकदम पतला ही बैटर तैयार करके रख लेना है। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई भी हमें लंग्स इसमें नहीं रहने देना है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। अब बना लेने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना बढ़िया रेसिपी बना है। और आप लोग भी इसको न्यू ईयर पार्टी के लिए स्पेशली बना सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे ब्रेड का बुरादा। तो हमने 6 पीस ब्रेड लिया था। ब्रेड को हमने मिक्सी में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो हमारा ब्रेड का बुरादा बनकर तैयार हो गया है। तो सारे चीज़ तो तैयार हो गया है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो क्या करेंगे, गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई, उसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल को हमें गर्मा गर्म हीट हो जाने देना है गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर। इसके बाद अपने बैटर में टिकोना वाइट्स को डिप कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, और जो अभी हमने ब्रेड लिया था ना, उसमें डिप कर लेंगे, अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग कर लेने को फटाफट हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। हमें इसको बना बना कर रखना नहीं होता है, फटाफट डालिए, बनाइए और फ्राई करिए। तो जैसे जैसे मैंने वीडियो में बता रही हूँ ना, आप लोग को भी सेम इसी तरीके से ही करना है, तभी बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार होगा, स्पेशल टिकोना वाइट्स। तो है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान रेसिपी, सच में बहुत ही आसान रेसिपी है। ज़्यादा सामान भी नहीं लगता, खर्चा भी नहीं लगता और बहुत ही कम समय में बन जाता है ये। सारे को डाल देने के बाद आपको गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख लेना है और हमें इसको 1 से 2 मिनट लगेगा फ्राई करने में। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है इसको फ्राई करने में। फिर हम इसको पलट लेंगे, थोड़ा जैसे रेड हो जाए ना, तो बस आपका तैयार हो जाएगा ये। तो आप लोग सोचिए, सिर्फ आलू से इतना टेस्टी नाश्ता आप लोग को खाने को मिल जाए, वो भी न्यू ईयर पार्टी के लिए, तो और क्या चाहिए, मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को न्यू ईयर पार्टी के। आप इसको जब मन तब बनाकर खा सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो बस जब इस स्टेज में आ जाए ना, तो हमें क्या करने, सारे को निकाल लेने हैं, सारे ऑयल को अच्छी तरीके से हटा लेने हैं। तो एकदम लग रहा है ना ब्रेड पकौड़ा के जैसा, उससे भी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में ये। सारे को निकाल लेने के बाद सेकेंड बैच को भी डालकर फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। तो देरी किस बात की, चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसको स्पेशल हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। तो है ना कितना आसान रेसिपी, आप लोग भी इसको अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। और बना लेने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए। और सब्सक्राइब कर लेने के बाद जो बगल का बेल आइकन होता है ना, उसको ज़रूर प्रेस कर लिया करें। उससे क्या होता है जानते हैं, फ़ायदा ही होगा आपका। फटाफट जो भी हम रेसिपी डालते हैं ना, वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर